प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम newsnumber.com। किसी महिला की डिलीवरी के बाद आशा या ANM वर्कर का काम और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब उसके ऊपर माँ के साथ साथ बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी भी होती है। अगर आशा प्रसव के समय मौजूद हो तो शिशु के जन्म लेते ही तत्काल देखभाल करना और शिशु को संभालने में सहायता करनी होती है। नवजात शिशु को पहले घंटे, पहले दो दिन और पहले माह के दौरान देखना और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल करना और शिशु को स्तनपान कराने तथा शिशु को गर्म रखने में माता को सहयोग देना और उसकी मदद करना भी आशा या ANM का काम होता है। अब तक हमने एनीमिया और प्रेगनेंसी में आशा वर्कर की भूमिका के बारे में जाना, लेकिन आज हम उससे एक कदम आगे यानी शिशु के जन्म में उनकी भूमिका के बारे में जानेंगे। प्रसव के समय शिशु की देखभाल। कई बच्चों की जन्म लेते समय सांस में घुटन के कारण ही मृत्यु हो जाती है। ऐसे में आशा प्रसव के समय घर में मौजूद है तो वो बच्चे की जान बचाने के लिए ट्रेनिंग के दौरान सिखाए गए गुणों से माँ और शिशु को बचाने का हर संभव प्रयास करती है और बच्चे को सांसें देती है। वहीं समय से पहले जन्मे प्रीमैच्योर और जन्म के समय कम वजन के शिशुओं की मृत्यु होने और उनके बीमार होने का अधिक खतरा होता है। जन्म के समय शिशु का वजन 2500 ग्राम से कम होने पर खतरा बढ़ जाता है और 1800 ग्राम से कम वजन होने पर ये खतरा बहुत अधिक होता है। यदि शिशु का जन्म घर पर ही हुआ हो तो जन्म के तत्काल बाद या पहले 24 घंटे के भीतर और दूसरे दिन नवजात शिशु की देखभाल के लिए उसके घर जाने की आवश्यकता होगी। अगर शिशु का जन्म चिकित्सा केंद्र या अस्पताल में हुआ हो तो माता से कम 48 घंटे तक वहीं रहने के लिए कहें और इसमें उसकी सहायता करें। इस प्रकार पहले दो दौरों के दौरान की जाने वाली देखभाल अस्पताल में ही हो जाएगी। यदि शिशु जन्म किसी स्वास्थ्य केंद्र में या घर में हुआ हो तो आपको शिशु की देखभाल के लिए 3, 7, 14, 21 और 28वें दिन उसके घर जाना होगा। नवजात शिशु की पहली जांच। शिशु में कोई असामान्यताएं जैसे मुड़े हुए हाथ पैर, पीलिया, सिर में गांठ, कटा होंठ, इसे चेक करना। शिशु माँ का स्तन कैसे चूसता है? क्या शिशु के हाथ पैर ढीले तो नहीं हैं? शिशु के रोने की आवाज सुने, उसकी आंखों की देखभाल करें। यदि आंखों में मवाद या पीप निकल रही हो तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना या फिर ट्रेनिंग के दौरान दी जानकारी के अनुसार दवाओं का इस्तेमाल। नाभि या तेल को सूखा और साफ रखना। नवजात शिशु नाजुक होता है और अगर उसका परिवार तथा माता सावधानी ना बरतें तो वो आसानी से बीमार हो सकता है। शिशु की सुरक्षा के लिए परिवार को कुछ सामान्य सावधानियों के बारे में बताना होगा। इसके साथ ही आशा को बच्चे के टीकाकरण का भी ध्यान रखना होता है। उसे समय समय पर सभी टीके लगे हों और बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता सही हो। नवजात शिशु की देखभाल के लिए जाने पर आशा से अपेक्षा। माता से पूछकर घर के दौरे और फॉर्म में माता से संबंधित सूचनाएं भरें। घर के दौरे के फॉर्म में माता से पूछकर नवजात शिशु से संबंधित सूचनाएं भरें। इन फॉर्मों से आपको माता और शिशु की देखभाल के लिए आवश्यक कार्यों का निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अपने थैले से आवश्यक उपकरण निकालें और उन्हें साफ कपड़े पर रखें। अपने हाथों को भली भांति धो लें जैसा कि आपको सिखाया गया है। इसके बाद शिशु की जाँच करें। आँखों, त्वचा और नाभि नाल की देखभाल करें। बच्चे के टीके का ध्यान। 2 माह से 59 माह के सभी बच्चों को विटामिन ए की 6 माही खुराक पिलाना। 6 माह से 60 माह के सभी बच्चों को IFA सिरप बोतल देना। 12 से 59 माह तक के बच्चों को कृमि नाशक दवा देना। भोजन में आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। एक बच्चे का टीकाकरण कब पूर्ण माना जाता है? जब एक बच्चे को जन्म के पहले वर्ष में BCG का एक टीका, DPT के 3 टीके, हेपेटाइटिस बी के 3 टीके, पोलियो की 3 खुराक और खसरे का 1 टीका लग गया हो तब बच्चे का टीकाकरण पूर्ण माना जाता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान एक आशा या ANM को रखना होता है। इसके साथ बच्चे की शुरुआती शिक्षा और संपूर्ण आहार भी इनकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कहा जा सकता है
माँ के बाद आशा या ANM ही होती है जो बच्चे के जन्म से पूर्व और उसके बाद भी उसका ख्याल रखती है और उसकी जान बचाने के लिए काम करती है।